उसके दो वर्ष पश्चात, दो वर्षों तक ये हो नहीं सका था कोविड काल में, दो वर्षों पश्चात फिर से वो लहर दौड़ी है। आप चुनाव अभी संपन्न हुआ है, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो संगीत का माध्यम है कितना मजा दे रहा है इस बार। ऐसा है, दो वर्ष कोविड की वजह से नहीं हो पाया, शोभा यात्रा नहीं निकल पाई, लेकिन आज प्रभु श्री राम जी का शोभा यात्रा पूरे गौरावासापुर के पूरे जन जन के सहयोग से, एक एक व्यक्ति के सहयोग से ये शोभा यात्रा निकली है। इसमें कोई किसी व्यक्ति विशेष का कोई सहयोग नहीं है, हर व्यक्ति पूरा गौरावासापुर बंजारेपुर सखैला बमैला से लेते हुए पूरे क्षेत्र के लोग इस जनमानस पूरा जुड़ करके आज शोभा यात्रा को सफल बनाया। प्रभु श्री राम जी अयोध्या में जब अवतरण लिए, आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था ऐसा हम लोग मानते हैं। और आज रामनवमी, एक तो मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं रामनवमी की और नवरात्रि के, आज जो नवमी है माँ सिद्धरात्रि का दिन है, सभी को माता से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु प्रार्थना हूँ सभी के जीवन में सुखी लाएँ, समृद्धि लाएँ। और आज का ये जो हर्षोल्लास बड़ा कार्यक्रम लोगों ने, पूरे जनमानस ने ये किया है, ये वास्तव में एक आने वाले समय के लिए एक मिसाल बनेगा। और संख्या आपने देखा, बहुत संख्या थी, बहुत उत्साह था लोगों में, जिम्मेदार लोग भी साथ चल रहे थे, प्रशासन के लोगों ने भी सहयोग दिया जिससे हमारी शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई। मैं यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता साथी हैं, उनसे भी बोलना चाहेंगे, संतोष जी से, संतोष जी के पास हम आना चाहेंगे। यहाँ पर बहुत ही छोटे कद के कार्यकर्ता हैं लेकिन काम बड़े इनके गंभीर रहते हैं भाई। संतोष जी, इस जलसे पर क्या कहना होगा, आज के दिन भगवान राम के जन्मदिन है। आज भगवान राम के जन्मदिन पे आज ये माननीय योगी जी की वजह से हिंदू जनमानस जागा हुआ है। आज हमारे नगर पंचायत के सारे करीब करीब हिंदू विचारधारा के लोग सड़क पे रामनवमी के दिन पे आए हुए हैं। आज जो भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा था संतोष जी, हमको लगता है कि वो भीड़ पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाई, कारण क्या है? नहीं, इस समय आप भीड़ देखिए, पूरी भीड़ आ गई है। जो जो राम भक्त है, जो राम को मानने वाले हैं, जो योगी को मानने वाले हैं, जो मोदी को मानने वाले हैं, सारे लोग सड़क पे आ गए हैं। और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी सड़क पे उतर चुके हैं। लोगों के मुताबिक ये बताया गया कि परमिशन में देरी हुई, फिर आपके विधायक जी, जो पूर्व विधायक जी थे, वो नदारद हैं, कारण? देखिए, विधायक जी का स्वास्थ्य खराब है, नहीं आया, मगर माननीय विधायक जी के ही सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। जब हम लोगों ने परमिशन के बारे में बताया, विधायक जी ने कहा निकालिए आप लोग, हम केंद्र प्रदेश में, हम हैं, परमिशन मिलेगा, मिला और हम लोग निकाले हैं जलूस का। ये माननीय विधायक जी का सहयोग है, ये माननीय योगी जी का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।